गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ब्लॉग। पहले गाय था, आज हम अमृतसर से निकलने लगे हैं घर के लिए और एक बज चुका है अभी। फिलहाल तो थोड़ा बिजी थे, दोपहर हो चुके काफ़ी ज़्यादा, 1 बजे निकले हैं अभी। बाकी देखते हैं रास्ते में, जहाँ पे हमने रोटी खाई अभी ढाबा में, बाकी देख लो अभी स्टेशन के पास है प्रीतम ढाबा लो कड़क लौंडा। और मैं अभी हम निकलने वाले घर के लिए, तो काफ़ी अच्छा पार्क था। मैंने भाई को बोला, भाई चल चलते हैं अंदर देखते हैं कैसा है कैसा नहीं है। बाकी पार्क के अंदर बांटा सोडा मिल गया हमें, एक एक गिलास लिया हमने, एक एक गिलास लिया हमने तो, और हम पीते पीते हम पार्क का चक्कर लगा रहे हैं पूरा। कैसा है पार्क? काफ़ी अच्छा पार्क है भाई, साफ सफाई देखो पार्क में। जम्मू में आपको ऐसा पार्क नहीं मिलेगा। देखो पार्किंग की फैसिलिटी इतनी है ना इस पार्क में, ये सब पार्किंग है भाई। अभी तो हम अंदर गए ही नहीं बिल्कुल भी, जा रहे धीरे धीरे, साथ में लेमन सोडा पी रहे हैं। लेमन सोडा पीते पीते हम पार्क का पूरा चक्कर काटेंगे। लौंडा आप भी आके टेस्ट करिए, राजबाग अमृतसर में आइए, इसका एंजॉय कीजिए। यार हर जगह तो कोई जा नहीं सकता भाई, तो हमारा काम है बोलना। हाँ हाँ ठीक है। बैकग्राउंड व्यू देख सकते हो आप, ग्रीनरी कूट कूट के भरी हुई है इस पार्क में। ठीक है, ये देखो भाई व्यू देखने के लायक है। ओपन जिम है इस पार्क में, सब कुछ मिल रहा है भाई, फैसिलिटी पूरी है पार्क में। आप लोग पक्का ट्राई करो इधर आके। अभी हम पार्क में हैं तो आपको यहाँ पे जामुन का पेड़ भी है यहाँ पे, ठीक है। खजूर तो हमने टेस्ट की, जामुन का पेड़ देखो पीछे है, वो एक छोटा सा लड़का वो उतार रहा है यहाँ से जामुन। ठीक है, ये देखो चील के पीछे राजा लग रही है। ये रात को ना इसकी लाइट ऑन होती है, क्योंकि अभी अभी दिन है ना, इसलिए इन्होंने लाइट बंद की है। ये है रंजीत, महाराजा रंजीत जी हैं जिनके नाम से ये पार्क है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, व्यू तो काफ़ी अच्छा है इस पार्क का। देखो भाई रंजीत एवेन्यू में आ चुके हैं, और रंजीत एवेन्यू में स्टारबक्स जो कि काफ़ी फेमस ब्रांड है एक, और हम इधर कॉफ़ी पीने जाएंगे अभी। ऊपर से दिखाओ, ये देखो भाई अंदर हम ट्राई करेंगे कॉफ़ी, और मेन्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे इनका। ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त कॉफ़ी शॉप है, कैफ़े है ये तो। स्टारबक्स का अगर आप लोग नाम जानते ही हैं कि कितना मशहूर नाम है स्टारबक्स। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो ये रहा रंजीत एवेन्यू अमृतसर में। मैं और कड़क लौंडा दोनों मज़े मौज कर रहे हैं, हम इधर पूरे आगे पीछे हम देख रहे हैं कौन कौन सी जगह है, कहाँ कहाँ पे क्या है सब कुछ। हम भाई अमृतसर में आओ तो यहाँ पे ट्राई करो जरूर आके स्टारबक्स। ये हम किसी चीज़ की प्रमोशन नहीं कर रहे, फिलहाल तो हम ऐसे ही खुद आ रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसी कैसी जगह हैं। और हम क्योंकि हमने काफ़ी नाम सुना होता है रंजीत एवेन्यू का, और पार्किंग स्पेस इतनी ज़बरदस्त है, सब कुछ है, साफ़ सफाई सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे। फाइनली गाइस अभी हमने लखनपुर में हमने अपना कॉपी टेस्ट करवा लिया, और कॉपी टेस्ट करवाने के बाद हम थोड़ी सी आगे पहुँचे तो हमें रोड पे ये काफ़ी सुंदर फूल दिखाई दिए। ये देखिए ये हमारी कॉपी रिपोर्ट है जो कि नेगेटिव है, इसके बिना हमें जम्मू में एंटर नहीं करने दे रहे। जहाँ पे हम टेस्ट करवा रहे थे फाइनली वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, और अभी हम आ रहे थे रास्ते में, लेकिन रास्ते में जस्ट अभी निकले हैं लखनपुर से, थोड़ा सा आधा किलोमीटर आ गया। तो काफ़ी सुंदर हमें फूल दिखाई दिए रोड पे, तो हमने सोचा क्यों ना इसको शूट किया जाए, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। ये देखो गाइस बिल्कुल मैं रोड पे आप देख सकते हो, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पे आपको फूल ही मिलेगा। उन्होंने कॉपी टेस्ट करा जो कि हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, और पहले जब हम गए थे पहले जो नाक में किया अभी हमारे गले में गले। और अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, पर कल हम अमृतसर आज ही सुबह हम अमृतसर से वापस आ रहे थे, तो इसलिए हम अभी जा रहे हैं घर में वापस। रात का टाइम हो चुके हैं, 8 बज चुके हैं, और हम जम्मू में पहुँचने वाले हैं, जो कि हम 2 से 3 किलोमीटर का फासला अभी जम्मू पहुँचने में। तो ये देखो जम्मू में नाइट का व्यू है, काफ़ी ज़बरदस्त व्यू। गाड़ी हमारी जा रही है ऐसे भागते भागते, और थोड़ा थोड़ा सैड सैड म्यूजिक भी चल रहा है आज हमारे पास। जम्मू में पहुंचने के बाद हम अभी निकल चुके हैं अपने घर के लिए, टाइम हो चुका है 9 बजने वाले हैं, 9 मिनट कम 9 बजने को है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं अभी, वैसे तो पूरे दिन ड्राइव किए भाई ने भी, आपको पता है ड्राइव करने से बैठने वाला ज़्यादा थकता है, बिना काम जो काम नहीं करता वो जल्दी थकता है। ठीक है, भाई भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट करने के लिए हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली, भाई भी पी रहा है मैं भी।
जम्मू में पहुंचने के बाद हम अभी निकल चुके हैं अपने घर के लिए। टाइम हो चुका है 9 बजने वाले हैं, 9 मिनट कम 9 बजने को है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं अभी, वैसे तो पूरे दिन ड्राइव किए भाई ने भी। आपको पता है ड्राइव करने से बैठने वाला ज़्यादा थकता है, बिना काम जो काम नहीं करता वो जल्दी थकता है, ठीक है। भाई भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट करने के लिए हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली। भाई भी पी रहा है, मैं भी पी रहा हूँ। रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 9 बज चुके हैं भाई। यहाँ भाई घर कितने बजे तक पहुँचे? मैं भी 10 बज ही जाएंगे, 10 बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे हमें घर पहुँचते पहुँचते अभी। तो अभी भी ये देखो नाइट व्यू देखो भाई, ये हम गाड़ी देखे जा रहे हैं भाई। बाकी भाई हमारा तो ओपी ड्राइवर है। गाइस आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया हमें अमृतसर ट्रिप पे, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करो हमारे चैनल को। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम चार्ट देख रहे थे कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो उनका रेशो ज़्यादा आ रहा है, उनकी परसेंटेज ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो और बेल आइकन को जरूर दो।